नमस्कार, मैं संदीप कसालकर और मैं हूं रुचि शर्मा और क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। 16 फरवरी 2016 इस दिन इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और एलोबरेट क्रिप्टो पोंजी स्कीम बिट कनेक्ट की शुरुआत हुई थी और कोइंसिडेंटली इसके ऑलमोस्ट 9 मंथ्स बाद 8 नवंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ओवरनाइट 500 और 1000 की फियाट करेंसी के नोट्स को 60 डेज में डीमोनेटाइज करने की घोषणा की थी। इंडिया के ऑलमोस्ट 86% सर्कुलेटिंग फियाट करेंसी कुछ ही दिनों में इलीगल होने वाली थी और हम सब लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपने 500 और 1000 के नोट से बदले नए नोट्स लेने की स्ट्रगल में बिजी थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हजारों करोड़ की ब्लैक मनी थी जिसे ना वो डिस्कार्ड कर सकते थे और ना ही लीगली डिक्लेयर कर सकते थे। इट वाज बिट प्रॉब्लमेटिक। यस, तब थाउजेंड्स ऑफ व्हाइट कॉलर टैक्स इवेडर्स ने अपनी करप्ट फिएट करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया। आई थिंक तब पहली बार भारत की बात करें तो इतने बड़े स्केल पर सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की इंडियन फिएट करेंसी के हजार करोड़ रुपए बिट कनेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हुए थे। उस वक्त ये लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। हाँ, सोचा सरकार को चुना लगा दिया, पर उन्हें क्या पता था कि बाप का दादा का सबका पैसा ले डूबेगा रे बिटकॉइन कॉइन। अब 2016 का डीमोनेटाइजेशन वर्क किया या नहीं किया वो अलग डिबेट है, बट वन थिंग इज सर्टन, इस डीमोनेटाइजेशन की वजह से बिटकॉइन कॉइन वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम बन गया। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि 2016 में स्टार्ट हुए इस स्कैम की बात हम आज 2022 में क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस बिटकॉइन कॉइन स्कैम के मास्टरमाइंड ने इंडिया, यूके, यूएसए, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई देशों में सिमिलर स्कैम एग्जीक्यूट किए हैं और लिटरली इन सभी देशों की पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है। और रिसेंटली मार्च 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन के ओनर को $2.4 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए का मैसिव फ्रॉड करने के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। If arrested, USA में सतीश कुंभनी को 70 साल की सजा हो सकती है। लेकिन this is just the tip of the iceberg। क्योंकि इस बिटकॉइन कॉइन स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के अलावा अजय देवगन की अपहरण फिल्म की तरह किडनैपिंग है और फिरौत भी है। और प्रतीक गांधी की हर्षद मेहता बायोपिक सीरीज स्कैम 1992 से भी ज्यादा बड़े पैसों का घोटाला है। और पहली बार इस क्रिप्टो स्कैम की वजह से सूरत में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की भी एंट्री हुई थी। इस स्कैम में मिस्ट्री है, षड्यंत्र है, पॉलिटिकल एंगल है, नोटबंदी है एंड मोस्ट ऑफ ऑल इस सब के बीच में है 41,000 करोड़ रुपए का क्रिप्टो स्कैम। इन 41,000 करोड़ में से अराउंड 20,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड बिटकॉइन ने सिर्फ US सिटीजन के साथ ही किया था। तो आइए देखते हैं इतना बड़ा क्रिप्टो स्कैम कब स्टार्ट हुआ, किसने एग्जीक्यूट किया, किसने अपने पैसे गंवाए और इस समय इसकी क्या अपडेट्स है। And make sure to watch till the end, जहां हम आपको ऐसे स्कैम से बचने की देंगे कुछ खास टिप्स। इस बिटकॉइन कॉइन स्कैम से कथित तौर पर दो मेन नाम जुड़े हैं, एक है फाउंडर सतीश कुंभानी और दूसरा नाम है दिवेश दर्जी का, जिन्होंने बिटकॉइन एशिया ऑपरेशन के थ्रू हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। यू नो, ये दिवेश दर्जी पर बिटकॉइन कॉइन के अलावा कथित तौर पर दो और कॉपीकैट क्रिप्टो स्कैम रन करने का भी आरोप है। एक है डिकाडो कॉइन स्कैम और दूसरा है रिगल कॉइन स्कैम। इन दोनों स्कैम में संदीप ऑलरेडी इस बिटकॉइन स्कैम में इन महापुरुषों ने 41,000 करोड़ रुपए का ऐसा रायता फैलाया हुआ है। पहले इस स्कैम पर ही कॉन्सेंट्रेट करें और दूसरे स्कैम्स के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। श्योर। सो बिटकॉइन का ओनर सतीश कुंभानी गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के हेमल नाम के छोटे से गाँव की मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करता है। कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट सतीश कुंभानी सूरत शिफ्ट हो गया। द एलिजिट क्रिप्टो स्कैमस्टर दिवेश दर्जी सूरत के एक हाई स्कूल में टीचर था, लेकिन साइड में वो डायमंड और मल्टी लेवल मार्केटिंग के छोटे मोटे स्कैम्स करता रहता था। मतलब ये टीचर पहले से ही घंटी चोर था। बिल्कुल। सो समहाउ स्टूडेंट सतीश और टीचर दिवेश दर्जी की पाथ क्रॉस हुई। और सतीश के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक 2013 में वो हायर स्टडीज के लिए लंदन शिफ्ट हो गया, जहां फॉर द फर्स्ट टाइम ही लर्न्ड अबाउट बिटकॉइन एंड इमर्जिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और 2016 में उसने बिटकॉइन नाम के क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। संदीप ये फोटो देखो, सतीश की फोटो फ्रॉम 2013। हाउ इनोसेंट एंड स्वीट ही लुक्स।
कौन कहेगा एक दिन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिप्टो स्कैमस्टर बनेगा। एग्जैक्टली, इट्स एंटायरली पॉसिबल कि फरवरी 2016 में सतीश ने बिटकनेक्ट गुड इंटेंशन से स्टार्ट किया हो, तब उसे थोड़ी ना पता होगा कि महीने बाद इंडिया में नोटबंदी होने वाली है। प्लस इट्स नॉट दैट इजी टू कन्वर्ट फिएट करेंसी इनटू क्रिप्टो करेंसी। हाँ, लेकिन जब मैं उसकी ये फोटो देखता हूँ, फील ही डिड इट। ये उसकी 2017 की फोटो है ना, आफ्टर मोनेटाइजेशन यू सी द डिफरेंस। एनीवेज, वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर, सो मूविंग ऑन। बिटकॉइन जैसे सिमिलर नाम वाले बिटकनेक्ट प्लेटफॉर्म, बिटकनेक्ट कॉइन और आगे चलकर बिटकनेक्ट एक्सचेंज एस्टेब्लिश करके इन लोगों ने ऐसी हवा बनाई है कि बिटकनेक्ट इज जस्ट एज गुड एज बिटकॉइन, मे बी इवन बेटर। बट अल्टीमेटली ये प्योर एंड सिंपल एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग पॉन्जी स्कीम थी, जिसमें ये इन्वेस्टर्स के बिटकॉइन अपने प्लेटफॉर्म पर 6 से 12 या कहो 18 महीने के लॉक इन पीरियड के लिए जमा कर लेते थे और बदले में पर डे उन्हें 2-3% रिटर्न देने का वादा भी करते थे। पर डे 3% मतलब ऑलमोस्ट एक महीने में पैसे डबल। पैसे नहीं संदीप, बिटकॉइंस। दे वर प्रॉमिसिंग टू डबल योर बिटकॉइंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इतना ही नहीं, और लोगों को फंसाने के लिए बिटकनेक्ट ने रेफरल इंटरेस्ट स्कीम स्टार्ट की, जिसमें अगर आपके थ्रू कोई और बिटकनेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो आपको अप टू 60% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बिटकनेक्ट कॉइन स्टेकिंग के थ्रू भी ओवर 120% रिटर्न्स देने के सपने दिखाए। But it all sounds too good to be true. सूरत और all over the world के लोग इनकी बातों में कैसे आ गए? इसके पीछे 2-3 main reason हैं। Actually, 2016 में जब BitConnect ने around 3 crore rupees raise करके अपना ICO launch किया था, तब world में सिर्फ 663 cryptocurrencies थी। Today we have more than 18,000 coins. So इतने scams नहीं हुए थे। लोगों ने थोड़ा easily trust कर लिया। और बिटकनेक्ट कॉइन के लॉन्च के आसपास ही इंडिया में नोटबंदी डिक्लेयर हुई थी। लोगों को लगा कि वो अपने ब्लैक मनी को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर ले, वो अपना बैंक बैलेंस कुछ ही महीनों में डबल ट्रिपल कर लेंगे। इन शॉर्ट टाइम इंडिया में अपने प्रमोटर्स के थ्रू हजारों करोड़ रुपए कमाने के बाद अब सतीश कुंभनी और दिवेश दर्जी डॉलर्स और पाउंड्स में करोड़ों कमाना चाहते थे। सतीश कुमारी ने इंडियन फंडिंग की मदद से बेहद ही ग्रैंड वे में यूएसए, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और बैंकॉक जैसे देशों में अपनी स्कीम लॉन्च की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। जब लोगों ने बिटकनेक्ट से अपनी डेली इनकम और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के वीडियोस पोस्ट किए तो क्रिएट हुआ फोमो। क्रिप्टो में इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बाकी लोगों की तरह बिटकनेक्ट से अपने लाइफ को बदलने के लिए लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स दांव पर लगा दी। और इस टाइम शायद सतीश कुंभनी की किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि बिटकॉइन पहली बार $1,000 के लो प्राइस से डायरेक्ट $20,000 तक पहुंच गया था। साथ ही साथ बिटकनेक्ट कॉइन का प्राइस भी अराउंड $450 तक पहुंच गया। दुनिया भर के लोगों ने हजारों करोड़ रुपए इस स्कीम में लगा दिए। तब क्या किसी को ये ख्याल नहीं आया कि बिटकनेक्ट डेली सबके 3-3% मिलाकर 1000% का प्रॉफिट आखिर देगा कैसे? एग्जैक्टली, लगा ना। इवन इथेरियम के क्रिएटर विटालिक बुटरिन ने तो मल्टीपल ट्वीट्स और ब्लॉग के थ्रू लोगों को आगाह भी किया था कि बिटकनेक्ट सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम है और कुछ नहीं। मीनवाइल दिवेश दर्जी से जब लोगों ने अपने बिटकॉइंस वापस मांगे, तब तक वो इंडियन ऑपरेशन को हड़प कर निकल चुका था। यहाँ यूएस की कोर्ट ने भी बिटकनेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। यूके में भी बिटकनेक्ट पर केस लॉन्च हुए, ऑफिस को सीज कर दिया गया। कुंभानी और उसके साथी हजारों करोड़ों के बिटकॉइंस के साथ फरार हो गए। कुंभानी और उसके प्रमोटर्स पे ट्रस्ट करने वाले दुनिया भर के हजारों लोग एक झटके में बर्बाद हो गए। लोग प्रमोटर्स को जान से मारने की धमकी देने लगे, कुछ लोग बेचारे सुसाइड के बारे में सोचने लगे। इस दौरान 2018 में इसी बिटकनेक्ट कॉइन से जुड़ा एक और क्राइम सामने आया, क्रिप्टो किडनैपिंग। एलिजिबली शैलेश भट्ट नाम के प्रॉपर्टी डेवलपर गुजरात के होम मिनिस्टर तक पहुंचकर कंप्लेंट करता है कि अमरेली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने उसे किडनैप किया, मारा और उससे 11 फरवरी 2018 के दिन अराउंड 9 crore के 176 बिटकॉइंस छीन लिए। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर किडनैपिंग और बिटकॉइन रैंसम का एलिगेशन था, इसलिए इस केस CID को सौंप दिया गया। संदीप, CID टीवी में होती है, रियल लाइफ में CBI होती है। CID रियल लाइफ में भी होती है। ये केस सूरत पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID को दिया गया।
और जांच के दौरान पता चला कि शैलेश भट्ट ने बिटकनेट कॉइन में 2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। जब कंपनी डूबी तो बिटकनेट कॉइन का दाम ओवरनाइट ऑलमोस्ट जीरो हो गया और इसके सारे पैसे डूब गए। अपने पैसे रिकवर करने के लिए भट्ट ने उन सभी लोगों को टारगेट किया जो अर्ली स्टेजेस में सतीश कुंभानी के साथ बिटकनेट के लिए काम करते थे और जिनके पास अभी भी रियल बिटकॉइन उनके वॉलेट्स में थे। भट्ट अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर एलिजिबली धवल मवानी और पीयूष सवालिया जैसे लोगों को किडनैप करके सूरत के फार्म हाउस पर ले जाता था, थर्ड डिग्री टॉर्चर करता था, उनके बिटकॉइन अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके उन्हें छोड़ देता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऐसे कुछ 9 से 15 किडनैपिंग्स की खबर जब अमरेली पुलिस को पता चली तो उन्होंने कथित तौर पर भट्ट को अरेस्ट करने की जगह उसे किडनैप करके बिटकॉइन के लिए ब्लैकमेल किया। हालांकि सबने एक दूसरे के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाए हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू से कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। टाइम विल टेल, क्योंकि सबके ऊपर सीआईडी ने चार्जेस फाइल किए हैं। हाँ, भट्ट ने इस क्रिप्टो किडनैपिंग से कथित तौर पर 2422 बिटकॉइंस फिरौत किए थे। फिलहाल एक बिटकॉइन की वैल्यू 31 लाख के करीब है। इस हिसाब से भट्ट ने अपने 2 करोड़ के बदले 750 करोड़ रुपए निकाल दिए। As of now, भट्ट बेल मिलने के बाद allegedly अपने पैसों के साथ मिसिंग है। बिटकनेक्ट के दूसरे मास्टरमाइंड दिवेश दर्जी को फाइनली गुजरात सीआईडी ने दुबई से आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया था, फिर उसे बेल पर छोड़ दिया गया था। आपको बता दूं कि ये सुधरा नहीं, इसने और भी क्रिप्टो स्कैम्स को अंजाम दिया, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। और अब बात करते हैं इस पूरे स्कैम के फाउंडर सतीश कुंभनी की। ब्रीफली ये रिपोर्ट्स थी कि सतीश कुंभनी को सूरत पुलिस ने 2019 में अरेस्ट किया था, तब एफबीआई भी उससे पूछताछ कर रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, उसका नाम ही सुर्खियों से हट गया। As if overnight, he simply just disappeared. Meanwhile, BitConnect के US promoter Mr. Glenn Arcano ने Southern District of California में BitConnect Ponzi scheme के through लोगों को mislead करके defraud करने के सारे charges accept किए। Court ने Mr. Arcano की $57 million की property seize करके नीलाम करवाई और उस amount से victims की भरपाई करने का आदेश दिया। As we have already discussed, सतीश कुंभनी को इंडिया सहित यूएसए, यूके और बाकी देशों की अथॉरिटीज तलाश कर रही है। या तो वो अपने किसी प्राइवेट आइलैंड पे बैठा हुआ मार्गरीटा पीकर अपनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहा है, या फिर एक एनोनिमस सोर्स की माने तो सतीश कुंभनी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा था। इस बिटकनेक्ट कॉइन स्कैम के पीछे बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड से जुड़े कुछ ऐसे पावरफुल लोगों का हाथ है जिनके नाम सतीश के बयान से दुनिया भर के सामने आ सकते हैं, इसलिए उसे हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया गया। I hope ऐसा ना हुआ हो, because I'm sure उसके भी पेरेंट्स और फैमिली होगी। Let's hope वो अथॉरिटीज के हाथ आ जाए और जिन विक्टिम्स ने अपनी लाइफ सेविंग गवाई है उनके पैसे वापस मिल जाएं। So, ये था इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो क्राइम। ऐसे क्राइम से बचने के लिए मेक श्योर आप ओवरनाइट करोड़पति और पर डे 2 से 3% प्रॉफिट देने वाली स्कीम से दूर रहे और इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जिनके हिलने से आपके और आपकी फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर ना बिगड़े। ऐसे और भी सनसनीखेज क्रिप्टो क्राइम के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर और मैं रुचि शर्मा लेती हूँ आपसे विदा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।